धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को पंजाब पुलिस आज कोर्ट में पेश कर रही है। पुलिस नरेश यादव को लेकर मलेरकोटला कोर्ट पहुंच चुकी है। मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस ने रविवार की शाम दिल्ली के महरौली से विधायक नरेश यादव को गिरफ्तार किया था। बेअदबी के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी विजय कुमार पूछताछ में पुलिस को बताया था कि साजिश में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव भी शामिल थे। हालांकि नरेश यादव लगातार इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे थे। फिलहाल कोर्ट पहुंच चुकी है पुलिस उन्हें लेकर। तो नरेश यादव खुद को पहले दिन से ही बेकसूर बता रहे हैं। नरेश यादव का कहना है कि राजनीति साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नरेश यादव की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी। वारंट है कोर्ट का, तो कोर्ट के वारंट का सम्मान करते हुए मैं इनके साथ में जा रहा हूँ। मेरा इस मामले में कहीं दूर तक लेना देना नहीं है, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। हम सारे धर्मों के लोगों को अपने साथ में लेके प्यार मोहब्बत से राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये कोई सिद्धांत नहीं है, वो सभी धर्म को साथ में लेके और सबके साथ में काम करने वाली पार्टी है। सेक्शन नॉन वैलेबल लगे हैं आपके ऊपर, कुछ आपको लग रहा है खतरा है? सेक्शन तो कोई भी कैसे भी लगा लो, जब कहीं इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं है। ये पॉलिटिकली एक षड्यंत्र है जिसके तहत मुझे फंसाया जा रहा है और विक्टिमाइज किया जा रहा है। अगर ये अपराध करेंगे तो कानून तो सजा देगा उनको। मैं बहुत आभारी हूँ पंजाब पुलिस का कि जो कोशिश इन लोगों ने कुरान के पन्ने जलाने की साजिश की और जिस प्रकार से एक दंगा कराने की साजिश की, उसके लिए तो इनको बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और इस वक्त पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, एक तरीके से कहें कि गिरफ्तारी से बचने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी, चंडीगढ़ के डीजीपी से भी मुलाकात की गई थी नरेश यादव की तरफ से, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार हुए और आज कोर्ट में पेशी हो रही है। क्या कुछ बताया जा रहा है कि आगे किस तरीके से पुलिस मांग कर सकती है उनकी रिमांड की? जिस तरह से लगातार कोशिशें जो है आम आदमी पार्टी जैसे की गई थी कि किसी ने गिरफ्तारी पर बता जा सके, लेकिन फिलहाल कल से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज इनको मलेरकोटला की अदालत में इनको पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने इनसे दो दिन का रिमांड मांगा है। अदालत फिलहाल अदालत ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है, अभी रिजर्व रख दिया है। कुछ ही देर बाद फैसला जो है वो अदालत जो है वो सुनाएगी और बाद में पता लगेगा कितना रिमांड जो उनको मिला है। हालांकि इनके वकील जो हिम्मत सिंह शेरगिल, उन्होंने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि इनके जो वकील है वो खुद यहाँ पर पेश हो रहे हैं और ऐसे में पंजाब पुलिस द्वारा रिमांड मांगना जो है वो गलत है। लेकिन पंजाब पुलिस जिनके दावा कर रही है, जिनके पास पुख्ता सबूत है नरेश यादव के खिलाफ, उसी के तहत इन्होंने रिमांड मांगने की, ताकि और उनसे पूछताछ की जा सके रिमांड में लेकर, ताकि और जो बातें हैं वो लेकर सामने आए। तो फिलहाल फैसला जो है वो अदालत ने सुरक्षित रखा है और थोड़ी देर में जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो उसे साफ होगा कि कितने दिन का रिमांड जो है वो पंजाब पुलिस को मिला है नरेश यादव के लिए। चलिए, आपसे अपडेट आगे लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपको बता दें नरेश यादव के वकील क्या कह रहे हैं इस बीच, वो भी आपको सुनाते हैं। लीगली जब कोई भी अक्यूज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है, जब भी बुलाया जाता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, तो बाय लॉ इट विल बी अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इफ इन दीस सर्कमस्टेंसेस उनकी अगर रिमांड ली जाए। सर, ये इसमें एक लाइन होता है, कोर्ट ने क्या फैसला किया अभी इस केस के अंदर? कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिजर्व किया है। इसमें एक पॉइंट आप नोट करिए, काइंडली अप्रिशिएट दिस शेरगिल साहब। देखिए, जो अरेस्ट वारंट लेके कल पुलिस पार्टी पंजाब से और दिल्ली गई, उस पे वारंट पे आप देखेंगे, आप मेरे से ले लेना व्हाट्सएप पर, उसमें 1 अगस्त तक पेश होने को कहा था। 1 अगस्त 1-8। तो नरेश यादव के वकील का साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, अगर अपने आप आ रहे हैं, तो फिर आखिर रिमांड की जरूरत क्या है? क्या कुछ सबूत है? क्योंकि पुलिस लगातार कह रही है कि उसके पास सबूत है। कोर्ट ने अपना फैसला अभी सुरक्षित कर लिया है कि क्या पुलिस रिमांड में भेजे जाएंगे नरेश यादव या नहीं। तो आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी जी ने एक और आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार करवाया। केजरीवाल ने कहा कि आनंदीबेन गुजरात में दलितों पाटीदारों को झूठे केस में जेल भेजती हैं और मोदी जी दिल्ली वालों को झूठे केस में जेल भेजते हैं। हालांकि केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताया है।
तो दो विधायकों की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के आरोपों के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल झूठे आरोप लगाने में माहिर हैं, तो दूसरे दलों का कहना है कि केजरीवाल सरकार को परेशान किया जा रहा है। पूरे देश में केजरीवाल जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं जो विभागहीन हैं। उन्होंने अपनी सरकार में एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा है, तो काम तो कुछ उनके पास है ही नहीं। इसीलिए सुबह से शाम अमर्यादित भाषा, आरोप लगाना, इसके सिवा और क्या करेंगे? कोई काम तो है नहीं उनके पास। श्री केजरीवाल के गुस्से का कारण स्पष्ट है कि पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दिया गया।